हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा लगा ये मेरा मेकअप? बहुत ही बेसिक मेकअप मैंने क्रिएट किया है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है। मैंने अपने चेहरे को पहले साफ कर लिया था फेस वाश से, फिर मैं इसको टोन करूँगी रोज़ वाटर से। आप चाहे तो टोनर भी लगा सकते हैं। फिर मैं इसको लिप्स को अपने मॉइस्चराइज करूँगी लिप बाम से, या आप चाहे तो वैसनील भी लगा सकते हैं। लिप ये ज़रूर करना चाहिए, या तो आप वैसनील या लिप बाम ज़रूर लगाइए, इससे अच्छा अपना लिप मॉइस्चराइजर हो जाता है। और जो भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी अप्लाई नहीं होता है, तो जरूर लगा लेना चाहिए। फिर मैं इसको NY का प्राइमर है ये, लेकिन मैं इसमें NY का प्राइमर यूज नहीं करूंगी, मैं इसमें ये देखिए एलोवेरा ही यूज करके बताऊंगी आपको। प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आप एलोवेरा लगा ली, नहीं तो मैं ग्लो सीरम भी लगा सकते हैं आप, अच्छा होता है। प्राइमर लगाना चाहिए, इसमें जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो अच्छे से सेट हो जाता है। जैसे हम फाउंडेशन लगाते हैं तो क्रेकी नहीं दिखता है, तो मैं 2 मिनट इसको सेट होने दूंगी। फिर मैं इसमें कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊँ, मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ। पोन्स का अच्छा कवरेज है, लाइट बहुत अच्छा आता है, इससे स्किन बहुत अच्छी लाइट करती है, अच्छा होता है अपने स्किन के लिए, अच्छा होता है। तो मैं मैंने इसमें सनस्क्रीन स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं शाम के टाइम सूट कर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगा, लेकिन आप दिन में लगा तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और ये बीबी क्रीम में भी रहता है, तो मेरे लिए बस है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मर्ज कर ले रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले धुल लिया था, और फिर उसके पानी को अच्छे से पानी को निकाल के अच्छे से मर्ज कर ले रही हूँ। मैं आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट मेकअप कर रही हूँ, लेकिन मैं फास्ट फॉर्म में रखी हूँ, मैं बहुत स्लो मेकअप कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से ये भी होता है कि जो एक्सेस ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाए तो वो अच्छे से इसमें नहीं लगते, सेट हो जाते हैं। अच्छा, जो इतना लगना उतना ही स्किन पर अपना लगे रहता है। फिर मैं इसमें कोई कंसीलर यूज नहीं कर रही, तो मैं ये फिर अगेन बीबी क्रीम लूँगी पोन्स का, और वही मैं कंसीलर की जगह यूज करूँगी। और मैं अपने आई पे थोड़ा लगा लूँगी, थोड़े में जहाँ आपके भाई डार्क सर्कल या पिंपल्स वगैरह के डार्क रह जाए वहाँ पे आप लगा के डब डब करके इसको अच्छे से लगा सकते हैं। फिर मैं कोई इसमें कंपक पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये देखिए पोन्स का लूज पाउडर ही लगा के अपने कंसीलर को सेट करूँगी। तो थोड़ा गर्मी लगती है, राखी के टाइम थोड़ा गर्मी लगती है, तो इसमें थोड़ा सा मैं मैट फिनिश लाऊंगी, इसमें थोड़ा सा कोई पाउडर लेके वो लगा लूँगी, अच्छे से फिनिश कर लूँगी। ये देखिए कुछ ऐसा, मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगा है ये प्रोडक्ट, लेकिन ये थोड़ी देर बाद अच्छे से सेट हो जाता है, तो आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है। फिर मैं इसको गले में, कान में, जहाँ जहाँ भी ऐसा लगे तहाँ तहाँ लगा लीजिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि अलग दिखता है। तो अच्छे से लगा लेना चाहिए पूरे गले में और बाल के एरिए में, सब जगह लगा लेना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसा है। फिर मैं अच्छे से हाथ से भी एक बार मर्ज कर ले रही हूँ, ऐसा अच्छा सा ब्लेंड होता है। फिर आई ब्रो के बिना तो आई मेकअप अधूरा ही है, तो अच्छा से मैं आई ब्रो लगा लेती हूँ, आईब्रो पेंसिल अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर मैं इसकी मदद से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हैं। फिर मैं जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाए उसको ऐसे से निकाल लूँगी, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा है, नेचुरल फिनिश आता है इससे। फिर उसके ही मदद से मैं फिर एक बार फिर उसको अच्छे से सेट कर लूँगी, ये नेचुरल निकल के आएगा ये। फिर मैं कोई इसमें आई शेडो को यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये इसमें लिपस्टिक से ही अप्लाई करके बताऊँगी। ये ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, देखो देखिए कितना अच्छा मतलब नेचुरल लुक निकल के आता है। फिर मैं इसके ब्रश की मदद से आई को सेट कर लूँगी। फिर मैं इसके बाद मैं पिंक कलर का लगाऊँगी, इसमें नेचुरल निकल उभर के आएगा। मैं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमने आई शेडो लगा रखा है, अच्छा सा निकल के आता है मेकअप। आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लुक आता है, एकदम अच्छे से लुक निकल के आता है। फिर मैं इसमें लाइनर लगाऊंगी, मैं इसमें अपने आँख पे लाइनर लगाऊंगी और काजल भी लगा के दिखाऊंगी। ये मैंने स्टेक कोर की का लिक्विड लाइनर ले रखा है, ये बहुत ही अच्छा है, कम से कम 24 घंटे तो अपने आईज पर अप्लाई रहता ही है, और ना ही ये फैलता है, और ना ही एकदम मैट फिनिश देता है, वाटर प्रूफ है। तो अगर आप लाइनर अच्छा खोज रहे हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। फिर मैं अगेन स्टेक कोर की का ही काजल लगाऊंगी, ये भी बहुत अच्छा, ये भी कम से कम 10 से 12 घंटे तक रहता है, और ये भी फैलता नहीं, मर्ज नहीं होता, अच्छा सा टिका रहता है अपने आई पर। तो आपके पास अगर लाइनर नहीं है तो ये आप ऐसे काजल से भी लगा सकते हैं, अच्छा सा लुक आता है इसके, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें मैंने आई लाइनर या लिक्विड लाइनर नहीं लगा के रखा, ऐसा लगेगा दोनों एक जैसा ही है। तो मैं इसमें कुछ विंग लाइनर देखो ट्राई कर रही हूँ, राखी का टाइम है तो थोड़ा ऐसे आई अच्छा लगता है, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं वही काजल नीचे आई में अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, कुछ मैं इसके कॉर्नर को निकाल के इस तरह आई थोड़ी जो अपनी होती है आँख थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो इस तरह मैं कुछ ऐसा लगा लूँगी। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, इससे आँखें थोड़ी बड़ी दिखती है। ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नर पर लगा के इसको फिर ऐसे लगाएंगे तो ये थोड़ा आँखें तो अच्छे से लुक आता है, एकदम क्रिएट अच्छा से आ जाता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा आई मेकअप किया है, बहुत ही फेबुलस लुक निकल के आएगा। फिर मैं जो ऊपर के
आईलाइनर को और ये नीचे के दोनों को मर्ज कर लूँगी, ऐसा ना लगे कि अलग अलग है। दोनों को अच्छे से मर्ज कर लिया है, देखिए कुछ ऐसा लुक आया है। ब्रश की मदद से थोड़ा अच्छे से इसको फिनिश कर लूँगी, अच्छा फिनिश आ जाता है ये भी। मैं इसमें मस्कारा लगाऊंगी, मैं कोई फेक लैसेस में नहीं लगा रही, तो दिन का टाइम रहता है राखी में, तो कौन ऐसा फेस लैस लगाता है, तो मस्कारा ही लगा के मैं दिखाऊंगी। और मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी मस्कारा लगाने के बाद, ऐसे आपने अपनी आई जो है वो कर्ल करके रखी है कर्ल से, तो फिर ऐसे क्या करें, आप लगाने के बाद उसको सूखने के बाद कम से कम 2 मिनट सूख जाने दीजिए, फिर अपने आईज़ के पलक को ऊपर ऐसे पकड़ के, जैसे ये मैं कर रही हूँ ऐसा, कुछ 20 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 ऐसे 20 तक काउंट करिएगा, फिर ऐसे रहने देगा, फिर ऐसा लगेगा कि ना जैसे आपने नेचुरल कर्ल करके रखा है। देखिए मेरे आप कितना अच्छा सा लुक आया है, नेचुरल कर्ल लगा। फिर मैं इसे लिप लाइनर अप्लाई करूँगी, ये देखिए मैंने रेड मैरून रेड पर लेके रखा, डार्क रेड है ये, तो और मैं इसमें अच्छे से नीचे भी वही अप्लाई कर लूँगी, लिप्स पर भी मैं सेम कलर का फिर लिप्स लिपस्टिक लूँगी। आप मतलब सेम कलर का ही लें, अलग वो अच्छा नहीं निकल के आता है, वो अच्छा नहीं देता, तो सेम कलर का लाइनर और सेम कलर की लिपस्टिक लगाएं तो एकदम मतलब फेबुलस, एकदम अच्छा सा लिप्स लिपस्टिक निकल के आता है। ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, एकदम मैट फिनिश है लिपस्टिक ये, अच्छा सा लुक आ जाता है इस लिपस्टिक से, तो आप ट्राई ज़रूर करिए। फिर मैंने सोचा था कि मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लगा देती हूँ, देख रहे कितने अच्छा सा शाइन निकल के आता है। तो आपके पास ऐसा कुछ एक हाइलाइटर जरूर रहना चाहिए, आपका जो मेकअप होता है वो अच्छे से निकल के आता है। फिर मैं ये हाइलाइट पॉइंट को इसको अच्छे से लगा लूँगी जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है। मैं इसको लिप्स पे हाईलाइट करूँगी, आईब्रो के नीचे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, फिर आई कॉर्नर पे, इतने अच्छी आई निकल आई मेकअप अभी उभर के आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आई शेडो से आई मेकअप नहीं किया है, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत महंगा आई शेडो आई मेकअप अप्लाई किया है। ये देखिए कुछ ऐसा निकल के आएगा, तो ये आप जरूर अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो ऐसा ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा मेकअप निकल के आता है। ऐसा कैमरा में नहीं कैच हो पाया है, लेकिन ये बाहर से बहुत ही अच्छा फेबुलस ग्लैमरस लुक निकल के आया है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा है। फिर मैं इसे ब्लश लगाऊंगी, ब्लू हेवन का है ये, तो नेचुरल है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, बहुत ही नेचुरल लुक आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, ये पिंक कलर का, अगेन पिंक कलर का लिपस्टिक मैं ब्लश यूज करूंगी इसको, तो देख सकते हैं एक लिपस्टिक के कितने सारे फायदे होते हैं। तो ये अच्छे से आप लगा लीजिए और देखिए कुछ ऐसा लुक आ गया, एकदम मतलब नेचुरल लुक है, ऐसा भी नहीं लग रहा। कैसा लगा ये मेरा 3D मेकअप? मैंने बहुत ही देखा अफोर्डेबल चीजों का ध्यान रखकर 3D मेकअप क्रिएट किया है, तो आप भी ऐसे 3D मेकअप कीजिए, राखी पर इंटरेस्ट और एंजॉय करिए। मैंने सारे फेशियल बता दिए, तो आप फेशियल करिए और 3D मेकअप क्रिएट करिए, ग्लैमरस लुक पाइए। और हाँ, मैं अगर आपको मेरा ये 3D मेकअप अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ, ऐसे ही कुछ 3D मेकअप या DIY के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।